नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल माइंडसेट। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 13 अक्टूबर को करुणा फाउंडेशन द्वारा बुक्स और डॉक्टर नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा डॉक्टरों की किताबों की रचनात्मक प्रदर्शनी हुई। वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने तिहाड़ जेल के मनोचिकित्सक की पुस्तक का भी विमोचन किया। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ रहा खास। स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने करुणा फाउंडेशन द्वारा आयोजित डॉक्टरों से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बुक्स फॉर डॉक्टर नामक कार्यक्रम में दिल्ली के प्रतिष्ठित 100 से ज्यादा डॉक्टर उपस्थित रहे, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा डॉक्टरों की किताबों की रचनात्मक प्रदर्शनी की गई। कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर के जीवन के पहलू आम जन तक रखने की कोशिश की गई। डॉक्टर और अस्पतालों में लोगों के रोष की वजह से अहिंसा कम कैसे हो, इस पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में जन जन की जन औषधि विषय पर एक पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर गिरीश त्यागी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल, भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सैल, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के CEO सचिन कुमार सिंह एवं डॉक्टर राजवर्धन आजाद आदि कई गणमान्य ने अपने अपने मत रखे। मंच का संचालन अमिताभ भूषण ने किया। आखिर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में अपने विचार रखते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जन सामान्य के हित की बात करते हैं, ये योजना भी उसी के फलस्वरूप है। जन औषधि योजना जन जन की योजना है, जनमानस को सही गुणवत्ता की दवाइयाँ कम से कम दाम में उपलब्ध हो। योजना जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना 2015 में, जिसका कह सकते हैं कि बड़े लगन के साथ शुभारंभ किया प्रधानमंत्री जी ने। जो पहले उसका जेनरिक दवाई के नाम से था, उसके नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का मतलब ही है कि वो हर भारतीय इसको अपनाए, हर भारतीय इसको अपनाए। और इसके लिए आज लगभग 6,000 के लगभग सेंटर इसके चल रहे हैं भारतीय जन औषधि, और इससे रोजगार भी काफी बढ़ रहे हैं। लगभग 25,000 लोगों का रोजगार अभी तक इससे प्रत्यक्ष मिला है। और ये हम कह सकते हैं कि जहाँ 6,000 हमारी दुकान है, उसमें 2.5 लाख रुपया हम उसको अलग से दुकान खोलने वालों को 2.5 लाख रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अन्य चीज़ों के लिए हम उनको अनुदान देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और बेहतर योजना है। और इस औषधि में सब कुछ है, ये ब्रांडेड और जेनरिक्स में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई बोलता भी है तो उनको बताइए कि जो ब्रांडेड बनाते हैं वही जन औषधि ये भी बनाते हैं, और दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। दामों में 50% दाम कम है, और इससे बड़ी बात क्या फ़ायदा हो सकता है। और आज जितनी भी बीमारियाँ हैं, 10,000 करोड़ रुपये लोगों की बचत पिछले 5 साल में हुई, ये आंकड़े 10,000 करोड़ रुपया लोगों के दवाइयों में बचत हुई है इस भारतीय जन औषधि योजना के द्वारा। ये बहुत बड़ी क्रांति शुरुआत है, और मुझे लगता है इसे जन आंदोलन का रूप दे करके जन जन तक पहुंचाने का जो एक सरकार की इच्छा और जनता की भी जो इच्छा है, दोनों मिल के करेंगे। और आज देखा आपने कि करुणा फाउंडेशन ने जो सबको जोड़ा है, ये एक जन आंदोलन का रूप यहाँ से आगे बढ़ेगा। गांव से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है कि सस्ती दवाएं गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, आप क्या कर रही है? आपकी जानकारी के लिए मैंने 4 साल पहले अपने बक्सर संसदीय क्षेत्र में एक गांव में, एक छोटा सा कस्बा में इसका उद्घाटन किया, और आज वो कितना फलीभूत हो रहा है। जितनी पॉपुलैरिटी हमारे प्रधानमंत्री जी का देश और दुनिया में है, उस गांव में उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि हर लोग कहता है कि चलो उसके दुकान पर। सर, आप सोच सकते हैं, आप बिहार से आते हैं, पटना में जल जमाव के बाद महामारी का खतरा फैल रहा है, डेंगू के पेशेंट लगातार। आपको नहीं मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए आपको कि मैंने पहले ही दिन जब यहाँ से मैं पूरी टीम, हाई लेवल की मेडिकल टीम, अभी भी लगातार पिछले 10 दिनों से पटना में और जो भागलपुर, ये दो जगहों पर वहाँ के लोगों ने कहा था, हमने सेंट्रल हाई लेवल की टीम वहाँ स्थापित कर रखा है और पूरी लगन के साथ लोग लगे हुए। कहीं भी डेंगू का जो प्रकोप है, डेंगू
पहले से जो चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत हाल के दिनों में आगे हुआ है, लेकिन कोई बहुत भयानक स्थिति ऐसी स्थिति नहीं है। सर, आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है। भाई अब कौन क्या कहता है उसको मत सुनिए। मैंने कहा ना, जो जनता का विश्वास है, ये करोड़ों लोगों की जनभावना है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, और इसमें कहीं दो मत नहीं। राम का मंदिर अगर बनेगा तो अयोध्या में ही बनेगा और भगवान के उस जन्मभूमि पर बनेगा, ये जनता का विश्वास है। पर ये तभी सब तक पहुंच पाएगा जब डॉक्टर भी बड़े आत्मविश्वास के साथ इसको बढ़ावा दें, और देश हित में ये जरूरी भी है। वहीं इस दौरान अश्विनी चौबे ने तिहाड़ जेल के मनोचिकित्सक की पुस्तक का भी विमोचन किया। ऐसे बेहतर कार्यक्रम की संकल्पना के लिए उन्होंने करुणा फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी कुंदन कुमार झा, योगेश पंत एवं उनकी पूरी टीम को साधुवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। अब तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए नेशनल माइंडसेट।